हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा आप लोगों का चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट है, मेरी स्पेशल क्लासेज आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है प्लस वाले प्लेटफॉर्म पे। टाइमिंग है 3 PM, जो दोपहर का 3 बजे वाला टाइमिंग है उसको आप नोट कर लीजिए। उस पर आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तो सीखेंगे ही, और साथ के साथ आप जो हमारा अनअकैडमी का जो प्लस वाला फीचर है उसको भी आप एक्सपीरियंस ज़रूर करें। ठीक है, तो 3 PM का जो है टाइमिंग उसको आप नोट कर लें। ठीक है, वो आपके लिए अवेलेबल है, आप वहाँ पर प्लस वाले कोर्स जो है उसको ज़रूर अटेंड करें। तो इट इज़ अ स्पेशल क्लास, सिर्फ 1 घंटे की क्लास है, आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो टॉपिक देख लिया आप लोगों ने, क्या टॉपिक है, डिफरेंशिएशन की मैं वहां पर बात करने वाला हूं। इस चैनल पर हम 2 बार मिलते हैं, हमारे टाइमिंग है 11 बजे, जिसमें मैं अभी अलजेब्रा डिस्कस करता हूं, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट पर आ चुका है, और 8 बजे हम कैलकुलस को डिस्कस करते हैं, जिसमें अभी हम ग्राफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। उसी के सीक्वेंस में आज का लेक्चर भी हमारा है, जिसमें मैं फोर्थ लेक्चर लूंगा, 4th नंबर का लेक्चर है ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आप फॉलो करिए अनअकैडमी पर मुझे @omsir पे, तो वहां से आपको जितने भी कोर्सेज मेरे चल रहे हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए उनके लिए बता देता हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन, मैं आपको ये क्लास कोटा से प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कोटा में पिछले 12 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो एक्सपीरियंस है मैं चाहूँगा कि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें, तो इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी एजुकेटर हम जितने भी एजुकेटर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सारी नॉलेज एक चैनलाइज्ड वे में आप तक पहुँचे और आपके मार्क्स JEE में बढ़ें। ठीक है, यही हमारा प्रयास है। आइए, टॉपिक जैसे मैंने बोला कि आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4। 3 क्लासेज इसकी हो चुकी हैं, आज है 4th क्लास। आज हम थोड़ा मॉडुलस का इम्पैक्ट देखेंगे कि ग्राफ पर क्या मॉडुलस का इम्पैक्ट आता है, वो हम आज सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जो आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूँ। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में अब तक मैंने शिफ्टिंग के बारे में डिस्कशन किया था, मल्टीप्लीकेशन का इम्पैक्ट दिखाया था, ठीक है, और डिवीजन का भी इम्पैक्ट दिखाया था। आज हम देखेंगे मॉडुलस का इम्पैक्ट क्या होता है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, चलिए, ये आप अगर मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल पर जाएंगे तो आप इस तरह के पेज पर लैंड अप होंगे, तो वहाँ पर जो मैंने URL बताया था @omsir आप लगा देंगे, अगर unacademy.com/@omsir देखेंगे तो आप यहाँ लैंड अप करेंगे। और यहाँ आने के बाद ये थोड़ा मैं आपको ऐप से फैमिलियर बना रहा हूँ, वहाँ पर जितने भी कोर्सेज किसी भी एजुकेटर के होते हैं आपको वहाँ पर लिस्टेड दिख जाते हैं। करंटली कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, कौन से टॉपिक चल रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ कर दूँ। ये कोर्स है जो 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हुआ था, तो अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं कंप्लीट अलजेब्रा जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। तो दिस इज कोर्स इज़ फॉर यू। तो जब आप स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको बेनिफिट रहेगा। और एक कोर्स है मेरा कैलकुलस का जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट होगा 6 PM, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं क्योंकि मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो ये नया कोर्स है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 5-6 दिन ही हुए हैं अभी, ठीक है। और कुछ पुराने कोर्सेज भी जो आप वहाँ जाके देखिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। खास बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने से और DPP वगैरह के डिस्कशन करने से बात नहीं बनने वाली है। बात होनी चाहिए कि हमने जो आपको सिखाया वो तो आपने सीखा, डाउट थे तो डाउट पूछे, फिर होता है प्रॉपर असेसमेंट जो टाइमिंग के साथ होता है, जिसको कहते हैं हम टेस्ट। सबसे अच्छा जो फीचर है दैट इज़ अ टेस्ट सीरीज, तभी एक्चुअल में पता चलता है कि उस गिवन टाइम फ्रेम में जब तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे पास थे तो तुमने कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया। तो टेस्ट सीरीज यहाँ का प्लस फीचर है, अच्छा फीचर है, जो आपको देते रहना चाहिए ताकि आपका असेसमेंट पता चलता रहे, आपको आप कहाँ तक पहुँचे हो, लर्निंग आउटकम आपका क्या रहा है, और आपको अभी कितनी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत उस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, प्लस के बारे में डिटेल बताऊं, अगर मैं आप 2 ईयर्स के स्टूडेंट हो, 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए 11th और 12th का जो सिलेबस होता है एग्ज़ाम के लिए, वो कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट अमाउंट इज़ ₹40,000। इफ़ यू यूज़ दिस कोड OMSIR, यू विल गेट अ इंस्टेंटली बेनिफिट ऑफ 10%, एंड दिस अमाउंट विल बी रिड्यूस टू 36,000। कितने पर रह जाएगा, 36,000 पर रह जाएगा। तो आपको कितने का मिला, ये
18,000 पर ईयर, ठीक है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ जे एडवांस की में, इससे चीपर और विद सो मच ऑफ क्वालिटी नहीं आपको मिलने वाला। आपके कोटा आप आते हैं तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से आपको डायरेक्टली पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर हैं या ट्वेल्थ क्लास का स्टूडेंट है तो फिर आपके लिए एक साल है, तो आप एक साल वाला प्लान भी ले सकते हैं, जो अगर आप इस कोड को अगर यूज़ में लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा 22,500। तो ये जो कोड है ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाला है, ठीक है, इसका ध्यान रखें। नाम मेरा ओम है, तो ओम सर आप यूज़ में लेंगे तो आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। तो एक साल की सब्सक्रिप्शन फ़ीस कितनी है, 22,500। तो बात सिंपल सी है, इसमें सिर्फ मैथ्स की बात नहीं हो रही है, इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारे सब्जेक्ट अनलिमिटेड फॉर्म में पढ़ सकते हो, जितना चाहो जितने टीचर्स चेंज कर करके भी पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक एक से समझ में नहीं आया, शफल करके दूसरे टीचर के पास चले गए, मतलब एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री उस प्लेटफॉर्म पे। जो भी चीज़ें होंगी सब आपके लिए फ्री हो जाएंगी जैसे ही आप ये वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। सबके लिए बार बार अलग अलग चार्जेस नहीं है, एक चार्ज है, एक पेमेंट है, उसके बाद कंटेंट जितना भी वहाँ पर मिल रहा है, जो भी कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं सब आपके लिए फ्री है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, सबके सब वेल क्वालिफाइड हैं। तो आपका जो सपना है अब वो हमारा सपना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा आज का, जैसे हमने डिस्कस किया था, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ नंबर की बात हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है कहानी। तो अब तक के जो बातें मैंने की हैं मैं तुम्हें 5-10 मिनट में उसकी एक क्विक रिकैप बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है इसके बारे में हमें रिवीजन वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि आज है पार्ट नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने सिखाया था वो था एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में था, इसके बारे में था एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में था। सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो था एफ एक्स के बाहर माइनस था, और थर्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हम अंदर जाके प्लस माइनस ए ऐड करते थे। फोर्थ में ये जो एडिशन होता है ये आउटसाइड किया था, ठीक है, तो ये सारे हमने सीखे थे। फिफ्थ भी सीखा था जिसमें मैं मल्टीप्लाई किया था, सिक्स्थ में मल्टीप्लिकेशन आउटसाइड था, और दो और सिखाए थे। सेवन्थ मैंने सिखाया था एफ ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए, और एक एट्थ मैंने सिखाया था जो था एफ के ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस ए। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन थे, थोड़ा गौर से इन सबको देखो और याद करो कि मैंने इनके बारे में क्या बातें बताई थी तुम्हें, ठीक है। तो रिकॉल करो क्या क्या बातें थी, अगर आप रेगुलर हैं तो आपको याद आ जाएगा, कम से कम चार तो याद आ ही जाएंगे, तीन या चार तो याद आ जाएंगे कि सर हाँ सर इतने तो हमें याद आ रहे हैं कि कौन से चार कौन से ट्रांसफॉर्मेशन थे। देखो पहला वाला याद करते हैं, अगर अंदर नेगेटिव किया है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट और राइट फ्लिप करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अंदर माइनस एक्स क्या है तो जो वैल्यू पहले नेगेटिव पर आ रही थी अब वो पॉजिटिव पर आएंगी, जो वैल्यूज पहले पॉजिटिव पर आ रही थी अब वो नेगेटिव पर जाएंगी। तो जस्ट रीशफल देम, लेफ्ट और राइट वाले आपस में पलट देते हैं। अगर माइनस बाहर है तो फिर क्या होगा, अगर पहले वैल्यू पॉजिटिव थी तो अब नेगेटिव आएगी, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव थी, इसमें ऊपर और नीचे वाले अपर और लोअर वालों में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। इनपुट पर जो चेंजेस आता है प्लस माइनस ए अगर ऐड किया है तो इसकी शिफ्टिंग होती है माइनस प्लस ए टाइम्स अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस माइनस ए है तो माइनस प्लस से शिफ्टिंग होगी इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग, शिफ्टिंग कर देंगे हम इसकी। आउटसाइड पर अगर प्लस माइनस ए है तो फिर ये सेम साइन ही रखते हैं और ये शिफ्टिंग होती है वाई एक्सिस के अलोंग। तो सिंपल सा थंब रूल है बेटा, इनसाइड चेंजेस जो होते हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं और उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। तो अगर ऐड करोगे तो माइनस होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, बाहर प्लस माइनस है तो दैट इज सेम, तो प्लस माइनस है वाई एक्सिस के अलोंग। अंदर कैसे मल्टीप्लाई किया है तो ये फिर से इंटरनल चेंज किया है तो इसका रिवर्सल होगा, दैट मीन 1/k टाइम्स ये रह जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि अंदर चेंजेस किया है, बाहर क्या है सेम ही रहेगा k टाइम्स अलोंग वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम। ये तो 6 ट्रांसफॉर्मेशन। सेवन्थ में मैंने बात की थी के एक्स प्लस माइनस ए इसको कैसे बनाया जाएगा, पहले एफ ऑफ एक्स बनेगा,
फिर एफ ऑफ के ऑफ एक्स बनता है, फिर हम इसके ऊपर पहुंच जाते हैं। और ये कैसे बनाया था लास्ट वाला, एफ ऑफ एक्स से पहुंचेंगे के ऑफ एफ एक्स और फिर इस वाले से इसके ऊपर पहुंच जाते थे। ठीक है, तो ये हम इतनी बातें यहाँ तक अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक होमवर्क मैंने पिछले वाले क्लास में दिया था, आइए उस होमवर्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। वो होमवर्क मैंने दिया था कि प्लॉट करके बताना है तुम्हें 2 cos x + 2, ये मैंने डायग्राम बनाने को बोला था। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे इसका डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हम cos x का प्लॉटिंग करें। cos x के प्लॉटिंग के बाद हम प्लॉटिंग करेंगे 2 times cos x की, और 2 times cos x के बाद हम प्लॉटिंग करेंगे 2 cos x + 2 की। क्लियर, तो आ जाइए सब cos x का डायग्राम बना लेते हैं। cos x का डायग्राम बनाने पहुंचेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं, -π/2, π/2, 0π, 3π/2, 2π, 5π/2, ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1। अब इसको थोड़ा गौर से देख लो क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ cos x बन गया है, तो अब क्या हुआ है, cos x का हो गया है डबल, और cos x का अगर डबल हो गया तो अगर वैल्यू पहले हाफ आती थी तो अब डबल होके 1 आएगी, अगर पहले वैल्यू 1 आती थी तो अब कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, लेकिन अगर पहले वैल्यू 0 आती थी तो 0 का डबल भी 0 ही होता है। तो देखिए 0 का डबल तो 0 ही रहेगा, ये डायग्राम पे क्या बनेगा, स्ट्रेच हो जाएगा 2 times, मैंने जैसे यहां लिखा बाहर मल्टीप्लाइड होता है तो वो सीधा k टाइम्स हो जाता है y एक्सिस के अलोंग, तो यहां अगर डबल किया है तो ये शिफ्ट होगा ऊपर, ये बन गया, और ये -1 डबल होके -2 बन जाएगा। ओके, ये बन गया। ठीक है, तो दिस इज 2, इट इज -2, तो ये 2 है, ये -2 है, ये प्लॉटिंग इसकी बन गई, यहां तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, अब बनाना है हमें लास्ट वाला, अब उसका मीनिंग निकालो सबके सब, क्या मीनिंग निकलेगा उसका, यहां पर क्या होने वाला है, अब cos x से 2 cos x बना है, अब 2 cos x में +2 ऐड करना, द होल थिंग विल शिफ्टेड बाय +2, जैसे कि एग्जाम में अगर बोनस मार्क मिले ऐसे क्वेश्चन के जिसको किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया था, तो सबके मार्क्स में +2 ऐड हो जाते हैं जब बोनस मिलते हैं, तो इस पूरे ग्राफ में 2 cos x में 2 ऐड होगा तो ये पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, कितने यूनिट से, दिस होल ग्राफ विल बी शिफ्टेड बाय 2 units, 2 units से, यानी अगर 2 वैल्यू आ रही थी ये बन जाएगी वैल्यू कितनी 4, और -2 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो पूरा डायग्राम हम ऊपर ले चलेंगे। यहां आ जाएगा 4 और यहां आएगा अपने पास 0, दिस इज 2, और देखिए -2 जो डेटा आ रहा था वो 0 बन जाएगा, और ये डेटा कहाँ आता था, पाई पर, सो दिस इज पाई, दिस इज हाउ मच, दिस इज, ये कौन सा डेटा आएगा, 3π/2, दिस इज 2π, ये वाला डेटा है 3π/2। चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स में हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज -π, चेक कर लो, पाई पर 0 आना चाहिए, पाई रखो, cos π -1, -1 (2), -2, -2 +2, 0, क्लियर, पाई पर कैसा आ जाएगा, ये बन जाएगी डेटा। ये बनाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमने इसका कंप्लीट डायग्राम कर लिया। अब मुझे ये बताओ कितने लोगों ने क्वेश्चन सही बनाया था, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मेरा सही हुआ या मेरा गलत हुआ, चेक कर लो, कोई डाउट है तो बताइए कि यस सर मैंने इसको ऐसे बनाया था, करेक्ट बात है, ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, आगे चलूँ अब मैं, आइए अब बढ़ते हैं हम आगे 9th ट्रांसफॉर्मेशन की, आज हम बात करेंगे 8th तो हम पढ़ चुके हैं, 9th y = बाहर मॉड लगाया है, क्या किया है, आउटसाइड मॉड लगा दिया है, बिल्कुल बाहर। ठीक है, मॉडुलस के आज हम इम्पैक्ट देखेंगे ग्राफ पर क्या होता है, ये टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया था फिर बता देता हूँ, पहले हम शिफ्टिंग कर रहे थे, प्लस ए ऐड किया अंदर या बाहर, मल्टीप्लाई किया कैसे अंदर या बाहर, वो सब देख रहे थे, आज हम देखने वाले हैं मॉड का इम्पैक्ट ग्राफ पर क्या आता है। ठीक है, तो देखिए, तो अगर बाहर मॉडुलस है देन टेक इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, आ जाइए पहले sin x का प्लॉट को बना लेते हैं,
साइन एक्स का डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो हम, और बोला क्यों है उसके बारे में भी लॉजिकली हम सोचने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या होता है मॉडुलस, बस ये हमें अगर पता चल जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मॉडुलस का मतलब क्या, माइनस पाँच का मॉडुलस क्या होता है, पाँच हो जाता है, और पाँच का मॉडुलस क्या रहता है, पाँच ही रहता है। तो मॉड एक ऐसी मशीन है जो पॉजिटिव को तो कुछ नहीं बोलता लेकिन नेगेटिव को एक और माइनस लगा के प्लस बना देता है, ये होता है मॉडुलस। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये बनाया मैंने प्लॉटिंग किसकी बनाई है, साइन एक्स की बनाई है, ठीक है। साइन एक्स की अगर ये डायग्राम बनाया तो अब देखिए क्या है, वैसे मैंने लिख भी दिया है, अब देखो मॉड है तो अगर साइन एक्स जहाँ पर पॉजिटिव है जैसे मान लीजिए 0.5 है तो 0.5 मॉडुलस के अंदर आ जाएगा, तो 0.5 का मॉडुलस तो 0.5 ही रहता है। ये मॉडुलस लेक्चर, मॉडुलस के क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आप चाहें तो प्रीवियस वाले लेक्चर्स को जाकर देख सकते हैं, चार पांच लेक्चर पहले आपको मॉडुलस मिल जाएगा, वहां पर दिख जाएगा। अगर बिल्कुल ही मॉडुलस के बारे में आइडिया नहीं है तो थोड़ा बहुत मॉडुलस तो मैं बता भी रहा हूं। अगर 0.5 का मॉडुलस 0.5 होता है, माइनस 0.5 का प्लस 0.5 हो जाता है। तो इस ग्राफ को अगर हम रीड करें तो तुम्हें बस ये बताना है कि पॉजिटिव कब है। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के जो ऊपर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे जब होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आते हैं, एक्स एक्सिस के नीचे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आते हैं। तो पॉजिटिव से मॉडुलस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव को ये पॉजिटिव बना देगा। तो होगा ये कि ये जो हमारे पास डायग्राम बन रहा है ये पॉजिटिव वाला पोर्शन तो ऐसा ही रहेगा, अब ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है जैसे माइनस वन आ रहा है यहाँ पर 3π/2 पर, तो ये प्लस वन बन जाएगा, ये सारे डोम ऊपर आएंगे। अब माइनस पाई, माइनस 2π, 0π, 2π, 3π, दिस इज द डायग्राम ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। तो एक थंब रूल याद रखो कि मॉड अगर लगा दिया है बाहर, कहाँ लगाया, आउटसाइड एफ एक्स के बाहर, तो इसका डायग्राम नेगेटिव नहीं आ सकता, बिलो एक्स एक्सिस नहीं बनेगा। तो क्या करना है देखिए, सो टेक इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ के लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स को है उसका क्या ले लिया जाए, इमेज ले लो। तो लोअर पार्ट का लेना है, अपर पार्ट का नहीं लेना, क्लियर लिखा है मैंने, किसका लेना है, लोअर पार्ट का। तो नीचे वाला पार्ट लोअर है, ये अपर पार्ट है, तो लोअर पार्ट का इमेज ले लेंगे सिर्फ, खत्म। अपर पार्ट के बारे में नहीं बोला, पता चला तुम अपर पार्ट का भी ले लो तो इसको नीचे बना दो, नो, ठीक है। तो लोअर पार्ट का ऊपर इमेज ले लेंगे, बन जाएगी बात। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की ट्राई करो, मैं तुम्हें देता हूँ थोड़ा सा टाइम। 2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डायग्राम तो आप लोग जानते होंगे, बनाने की करिए कोशिश कि 2x का डायग्राम कैसे बनेगा, बाहर लगा दिया है मॉडुलस, सोचिए कैसे बनाए इस वाले डायग्राम को, y=2x। टू पावर मॉड एक्स है, टू पावर मॉड एक्स का सबसे पहले तो 2x का डायग्राम बना लेते हैं, एक्सपोनेंशियल जैसा डायग्राम होता है क्योंकि ये खुद भी एक्सपोनेंशियल ही है। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ 2x, ठीक है। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इसके बाहर मैंने लगा दिया है मॉड, तो सोच के समझ के फिर बताना कि क्या होगा, ठीक है। बताओ क्या होगा, सोच लो थोड़ा, थोड़ा सोचोगे तो ही तो आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। और स्पेशल क्लास है अपनी 3 बजे से, ठीक है, उसको अटेंड करना मॉर्निंग, कल वाले दिन मिलेगी, आज तो रात हो गई है, कल जो क्लास होगी 3 बजे वहाँ पर रहेगा, बी पार्ट ऑफ दैट, फ्री में है, आप मॉड्यूल आपको डिफरेंशिएशन तो ज़रूर सीखने को मिलेगा, और आप प्लस के एनवायरनमेंट से भी कंफर्टेबल हो जाएंगे कैसे हम वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो बताइए क्या किया जाए, बनाया, मीनिंग समझा, क्वेश्चन का मतलब पता हो, क्या लिखा है, लोअर पार्ट की इमेज लेते हैं सर, इसके तो नीचे कुछ है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, नहीं है तो क्या करें, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं इमेज आएगा। अब देखो सो गौर से, ये पहले ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, अभी समझाया था, तो इस पर तो मॉड लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। वी विल अगेन
अराई एट द सेम पोजिशन, सेम रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2 पावर x, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो लॉजिकल रहो, सोच के करोगे, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है मैंने, उन दोनों के डायग्राम बनाने हैं तुम्हें, पहले लिखाना है मॉड ऑफ लॉग एक्स और सेकंड लिखा है मैंने मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब दोनों के प्लॉटिंग डायग्राम मैं पहले भी बता चुका हूँ, बेसिक डायग्राम बनाओ, इनके डायग्राम बनाने की कोशिश करो कि कैसे बनेंगे। बताइए कैसे बनाएं, लॉग एक्स का डायग्राम बता दूं, बेसिक लॉग एक्स का डायग्राम ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों। अरे कहाँ जा रहा है भाई, अभी सुधारते हैं, इरेज इरेज, ये होता है लॉग एक्स, दिस इज वन, ठीक है। अब लगा दिया है मॉड, क्या इंपैक्ट बनेगा तुम्हें बताना है, कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें मैं, कॉपी पेन लेके बैठो, देखो क्या बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, देन आगे बढ़ेंगे हम बातों पे। बनाइए, तो ये है पॉजिटिव, ऐसे रहेगा, और ये नेगेटिव वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन यही तो है लोअर पार्ट, यहां पर वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मॉडुलस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन गया पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाले पोर्शन को ऊपर कर दो, तो बहुत आसान है, बहुत, बाहर मॉड हो तो नीचे से फ्लिप करके ऊपर कर दो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाइए यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का डायग्राम बना के बताइए कैसा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी मैं पढ़ा चुका हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है लाइक स्टेयर्स, ऊपर जा रहे हैं, तो स्टेयर्स की तरह अगर बनाएंगे तो चलिए इसको स्टेयर्स की तरह बना देते हैं, तो स्टेयर्स की तरह बनेगा ये, ये ओपन और जीरो कहाँ आएगा, चलो इसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ सोच के, जैसे 0.10, 0.20, 0.33, 0.999 भी जीरो ही होता है, और जैसे ही ये 1 पहुंचेगा तो 1 पर आ जाएगा ओपन, क्योंकि 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ ओपन आएगा और ये जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, और फिर 1.1 की वैल्यू 1, 1.2 की वैल्यू 1, 1.99 की वैल्यू भी 1, जैसे ही ये 2 पहुंचेगा ये जंप करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो बेटा इसका डायग्राम इस तरीके के बनेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और आगे बढ़ सकते हैं हम, ये -1, ये -2, ये -3, ये हमने डायग्राम बना दिया, बन गए। ये होता है किसका डायग्राम, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डायग्राम। अब हमें मॉड लेना है, चलो बेसिक डायग्राम मैंने बता दिया, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता था ये डायग्राम तुम ही लोग बनाओगे, चलो ठीक है बेसिक मैंने बना दिया, अब तुम इस पे मॉड लेके मुझे बता दो कैसे इसका डायग्राम अब हम ऐसे बनाएंगे, ये बताओ सोच के कैसे बनाओगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो उसी डायग्राम में बना देंगे थोड़ा इंक चेंज करके कि इसका प्लॉटिंग आप कैसे करने वाले हैं, बताइए। बाहर मॉडुलस है तो क्या सीखा अभी हमने, देखो इस कॉन्सेप्ट को, कि टेक द इमेज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, इमेज ले लो उसकी, तो फिर ये तो ऐसा ही रहेगा पॉजिटिव वाला, तो नो चेंज, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर वाला अपर पार्ट को कुछ नहीं करना है, तो किसको चेंज करना है, लोअर पार्ट को, सो दिस विल गेट जंप, यहाँ आ जाएगा ये वाला जो जंप माइनस वन वाला जो पॉइंट है ये 2 पर पहुंचेगा, और ऐसा का ऐसा ऊपर आएगा है, और फिर ये वाला ऊपर आ जाएगा माइनस वन से 3। तो अब कैसी स्टेयर्स बनेंगी, ऊपर से स्टेयर्स नीचे आएंगे, यहाँ आके फिर ऊपर चली जाएंगी, क्लियर। तो अब तक तो ऐसे बन रही थी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू सब आएंगी नहीं मॉडुलस से, तो दे विल गेट शिफ्टेड टू दिस वन, क्योंकि माइनस वन का मॉड हो जाएगा 1, माइनस टू का मॉड हो जाएगा 2, माइनस थ्री का मॉड हो जाएगा 3। सिंपल सी कहानी है जो हम ग्राफ में सीख रहे हैं,
दे विल बी शिफ्टेड लाइक दिस। अब ऐसे हो जाएंगी, आसमान से सीढ़ी आएंगी, धरती पे आएंगी, फिर वापस आसमान में चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या इम्पैक्ट देखा है, बाहर अगर मॉड्यूलस लगा हुआ हो तो सिंपल सी कहानी है, जो ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन एक्स एक्सिस के, उसका ले लो इमेज, खत्म। ऊपर वालों को वैसे ही रहने दो, क्योंकि मॉड्यूलस पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, बस वो तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, चलिए अब सिखाते हैं तुम्हें टेंथ। टेंथ पे मैंने लिखा है कि अब जो मॉड्यूलस है वो अंदर लगाया गया, देखो गौर से, एक्स के अंदर मॉड है, मतलब एफ के अंदर मॉड लगा दिया है एक्स पर डायरेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है कि रिमूव द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ एंड टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये क्या कहानी है, क्यों लिखी हुई है इतनी बड़ी कहानी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, समझ के करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो लॉग एक्स की बात लिख लेते हैं। ये होता है प्लॉटिंग किसका, लॉग एक्स का डायग्राम होता है, दिस इज वाई इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अब समझना है कि हुआ क्या है। अब हमें यहां पर लॉग ऑफ मॉड एक्स की बात की जा रही है, आइए समझते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो वो समझ लेते हैं। ये लॉग एक्स है, देखो ये लॉग एक्स कब डिफाइंड होगा, ऑब्वियस सी बात है एक्स पॉजिटिव होगा तभी डिफाइंड होगा, वरना लॉग नेगेटिव पर तो डिफाइंड होता नहीं है। लेकिन अब हमने अंदर मॉड लगा दिया है, तो अगर वो 1/0 आता है तो लॉग 1/0 आ जाएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ -1 भी रखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब इनपुट पर कंडीशन है तो वो आता है लॉग की वजह से ग्रेटर देन 0, और ये हमेशा सही है एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 हमेशा मॉड एक्स 0 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मॉड लग चुका है। तो इसकी डोमेन मैंने निकाली, इसको तो भूल जाओ क्या लिखा हुआ है, मैं तो तुम्हें ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ है मॉड एक्स, और मॉड एक्स से ग्रेटर देन 0 तो एक्स 0 नहीं हो सकता, बाकी तुम कुछ भी रख लो, -4 रखोगे 4 आएगा, 4 ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ अगर तुम ग्राफ बनाने जाओगे तो मॉड एक्स जो है पॉजिटिव वाला, जब हम एक्स की वैल्यूज रखेंगे तो ये वैसे ही बिहेव करेगा। इसको ओपन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो x अगर पॉजिटिव है तो ये मॉड प्लस से ओपन होगा। तो देखो हुआ क्या कि पॉजिटिव वाले पोर्शन में तो ये होता है 0, पॉजिटिव वाला पोर्शन इधर रहता है x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव है तो वैसे ही बनेगा जैसा log x है, तो इधर तो यही डायग्राम बनने वाला है, ये बना दिया मैंने log x, और जब x नेगेटिव होगा तो कैसा बनने वाला है, मॉड ओपन होगा माइनस के साथ, x नेगेटिव है एक और माइनस बना देगा इसको प्लस। तो करना क्या है, जैसे -1 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो -1 का मॉड 1 बना देगा, लॉग 1 हो जाएगा 0। तो अंदर जाके नेगेटिव करते हैं तो लेफ्ट वाले को राइट वाले के साथ हम रेसिप्रोकेट कर देंगे इस साइड में, ये बन जाएगा -1। तो ये डायग्राम बनेगा इसका, किसका, लॉग के अंदर बनाया है मॉडुलस इसका, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी, देखो रिमूव द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं तो हटाने की जरूरत नहीं। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज अपर, दिस इज लोअर, चार पार्ट में मैंने ग्राफ को पहले ही बांटा हुआ है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये अपर है, और इसको लोअर बोला है। रिमूव द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, ऑलरेडी रिमूव्ड, देयर इज नथिंग ऑलरेडी, देन टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो राइट साइड वाले पार्ट का उस साइड पर इमेज ले लो, ले लिया, बन गया डायग्राम। तो क्या करना है, अगर अंदर जाके मॉड लगाया है तो इसका मतलब समझो कि अब फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज या जीरो वैल्यूज की ही बात करेगा। अब एफ के अंदर, क्योंकि अंदर मॉड लग गया है तो वो नेगेटिव नहीं बन सकता, वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर वो अगर पॉजिटिव ही रह रहा है तो फिर सिंपल सी बात है, जैसा उसका बिहेवियर पॉजिटिव एक्स की तरफ था वैसा ही बिहेवियर उसका नेगेटिव की तरफ भी होगा। तो नेगेटिव वाला पोर्शन जो कि इसके पड़ता है लेफ्ट साइड पर, वो हटा दिया जाएगा, राइट वाले को रेसिप्रोकेट कर देंगे इस पर इमेज लेकर। ठीक है, फिर से समझते हैं इस वाले के बारे में। y इक्वल टू 2 पावर x की कहानी लिखी हुई है, तो दिस इज योर 2 पावर x, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो इन्होंने थ्योरम में बोला, जो मैंने ऊपर रिजल्ट लिखा है, उस हिसाब से अगर हम इसको करें तो इसका क्या मतलब निकलता है, थोड़ा सा तुम दिमाग लगा के कोशिश करो बनाने की कि क्या लिखा है मैंने। देखो ध्यान से, रिमूव द लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, विच वन इज द लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट, इसको रिमूव कर दो, इस पार्ट को हटा दो। ठीक है, तो मतलब आगे वाले का तो कुछ नहीं करना ना, तो आगे वाले को तो बना दो जैसा था। अब क्या करना है, देन टेक इमेज ऑफ एफ एक्स राइट पार्ट, इस वाले पार्ट की इमेज ले लो। ये अगर मिरर है, अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये इस साइड भी ऐसा ही दिखेगा, ये इसका प्लॉट बन जाएगा। दिस इज वन,
जीरो, ठीक है, ये प्लॉट हो गया अपने पास किसका, वाई इज इक्वल टू टू पावर मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू टू पावर मॉड एक्स हमारा इसका डायग्राम बन जाएगा, क्लियर, इस साइड और इस साइड दोनों तरफ बन गया। अब अगर इसको तुम देखो तो तुम ऑब्जर्व भी इसके अंदर कर सकते हो, कैसे तुम्हें समझाते हैं कि सर ये ग्राफ राफ समझ में नहीं आता लेकिन मैं तो चेक करना जानता हूं, तो आओ चेक करते हैं। इसकी वैल्यू अगर तुम पहले वन पर निकालते हो तो टू पावर वन कितना बन जाएगा, टू बनेगा, ये रहा वन, इसकी वैल्यू आ जाएगी टू। और अगर मैं माइनस वन पर चेक करूंगा तो माइनस वन का मॉड भी कितना, वन ही आता है, तो माइनस वन पर भी इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, टू ही आनी चाहिए, ये देखिए टू ही आ रहा है, क्लियर है मतलब डायग्राम। अगर तुम इसको बनाने की कोशिश करते तो यहां देखो, यहां माइनस वन पर इसकी वैल्यू आ रही थी हाफ, लेकिन यहां मॉड है तो उसने क्या किया, माइनस वन को बना दिया वन, और उसका बिहेवियर वैसा ही रहा जैसा वो पॉजिटिव पर था, क्योंकि माइनस वन रखा था, मॉड ने बनाया वन है, मैं माइनस टू रखूंगा लेकिन मॉड बना देगा टू, मैं नेगेटिव वैल्यूज रखूंगा लेकिन ये इसका इंपैक्ट वैसा बनाएगा जैसा पॉजिटिव पर आने वाला है। तो सिंपल सा लॉजिक यही तो बना कि लेफ्ट वाले को हटाओ राइट वाले को चिपकाओ, लेफ्ट वाले को हटा दो राइट वाले को इधर चिपका दो, सिंपल यही काम किया। तो रिमूव द लेफ्ट पार्ट एंड टेक इमेज ऑफ राइट पार्ट, रिमूव द लेफ्ट साइड पार्ट एंड टेक इमेज ऑफ राइट साइड पार्ट टू दिस वैल्यू, करेक्ट। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बात सीखे तुम, ये बना के दिखाओगे अब लोग तुम सब मुझे, इसको बनाने की कोशिश करोगे। साइन एक्स का डायग्राम तो सब जानते हैं, जिनको साइन एक्स के डायग्राम में प्रॉब्लम है मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब तुम बस ये ट्रांसफॉर्मेशन करके मुझे बता देना कि सर ऐसा बनेगा इसका डायग्राम, लगाओ दिमाग, सोचो क्या होगा, कैसे चेंजेस आएंगे। देखिए हाँ बताओ क्या फर्क पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक, बार बार थोड़ी दिमाग लगाना है। सर ने बोला लेफ्ट साइड को हटा देंगे, हटा दो लेफ्ट साइड को, राइट वाले को तो कुछ करना नहीं ना, तो राइट वाले को वैसे बना के रखो, ये तो ऐसे ही रहेगा जैसा था। अब क्या करना है, अब ये जो वाला पोर्शन इसको हटा देंगे और इसको इधर रेप्लिकेट कर देंगे, तो देखो इस वाले का ये तो सेम रखा, अब इसका इधर इमेज बनाना है, तो ये अगर ऐसे उठ के जा रहा है तो ये इधर भी ऐसे ही उठ के जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा इसका माइनस पाई माइनस टू पाई, चेक कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन ऑलवेज चेक कि क्या आएगा कैसे, माइनस ये माइनस पाई बाय टू बाई वैल्यू रख के देख लो, माइनस पाई बाय टू रखते ही ये इसको प्लस पाई बाय टू बन देगा, साइन पाई बाय टू बाई वैल्यू वन आती है, चेंज हो गया। तो क्या रूल निकाला है, अगर एफ के अंदर मॉड लगा हुआ है, सिंपल सी कहानी है, लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दो राइट वाले को उल्टा चिपका दो, इमेज लेके चिपका दो, बन जाएंगे हमारे एफ ऑफ मॉड एक्स। उसके पहले मैंने एक और सिखाया था, जब बाहर मॉड था, बाहर मॉड होता है तो क्या होता है, आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, इसका मतलब एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को ऊपर इमेज ले लो, ऊपर वालों को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वालों को ऊपर पलट लेंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन करके बताइए क्या लिखा है इसमें, मैंने टैन के अंदर मॉड एक्स लिखा है, तो टैन के अंदर मॉड एक्स लिखा है तो फिर टैन एक्स का प्लॉट मैंने पिछले वाले क्लासेस में भी बताया था, अभी तो मैं फिर बना देता हूँ इसको, लेकिन बेटा हमें ये सब बेसिक डायग्राम आने चाहिए। कौन कौन से बेसिक डायग्राम है जो मैंने तुम्हें याद करने को बोले हैं बताओ, लॉग एक्स, टेन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, टू पावर एक्स, ई पावर एक्स, वन बाय टू पावर एक्स, वन अपॉन ई पावर एक्स, ये सारे बेसिक नम एक्स, ये सब बेसिक फंक्शंस हैं, ये सब तो हमें आने ही चाहिए। फिर उनकी अगर वो हमें आते हैं तो ये टॉपिक का फायदा क्या है कि हम बाकी सारे चेंजेस कर करके नए नए डायग्राम बनाना भी सीख सकते हैं, यही तो खास बात है सीखने की। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम मॉडुलस का इम्पैक्ट सीख रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है मॉडुलस से ग्राफिस ग्राफ में। और मैंने जैसे पहले भी बताया कि अगर हमें ग्राफ मालूम है, जैसे एक तो कोई चीज़ मैं तुम्हें वर्बली समझाऊं कि वो ऐसा 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 दिखता है, उसके इतने हाथ हैं इतने पैर हैं, ऐसे अगर समझाऊं किसी एक जानवर के बारे में बताना चाहूं, और एक मैं तुम्हें डायरेक्टली फ़ोटो दिखा दूं, तो किससे समझ में ज़्यादा आएगा,
डायग्राम से समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास ग्राफ है उसका डायग्राम दिखा दिया उसको, तो फिर तुम ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ सर ये बात बोल रहे थे। ठीक है, तो अगर हमें विजुअल पता है, किसी फंक्शन का ग्राफ मालूम है, हमें सब कुछ मालूम है। ठीक है, आ जाओ, ये है ज़ीरो, ये है पाई बाय टू, ये है पाई, यहाँ है हम थ्री पाई बाय टू पर, और ये आगे भी रहेगा ऐसे ही, इट इज माइनस पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू। ठीक है, अब अंदर मॉड लिया है, रीजन बताओ क्या करेंगे मेरे बच्चों, बोलो, याद करो क्या सीखा, रिमूव द लेफ्ट साइड पार्ट, टेक द इमेज ऑफ राइट साइड पार्ट। आ जाओ बनाते हैं, ये तो tan x का डायग्राम बना दिया है मैंने, अब हम इसका इमेज ले लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव वाला तो बना दें, राइट साइड वाले को बना देते हैं पहले, फिर देखेंगे लेफ्ट वाले के साथ करना क्या है हमें, आराम से काम करने होते हैं, तसल्ली से काम है ये सब, जल्दबाजी करोगे उलझ उलझा जाओगे। और चेक करने का हमेशा हमारे पास मैथमेटिक्स में तरीका होता है, चेक कर लो, भरोसा नहीं करते हम किसी पे। तो ये बना राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला हटा दो, डिलीट कर दो इसको, तो पूरे को ये वाला पोर्शन पूरा डिलीट कर दो, इधर वाला, अब इधर वाले को इधर चिपकाना है, तो इसका इमेज इस साइड लेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये सेगमेंट रह जाएगा माइनस पाई, प्लस है इधर तो पाई बाय टू है, दिस विल बिकम माइनस पाई बाय टू। अब ये वाला सेगमेंट फिर इधर आएगा, देखो इसकी इमेज देखना, यूँ घूम रहा है ना, तो जब मैं पलट के बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, चेक कर लेंगे हम हर चीज को जो हमने बनाई है उसको, माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस 90 डिग्री यहां रखा जाएगा तो प्लस 90 बन जाएगा और टेन 90 पहुंचेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पहुंच रहा है, माइनस 90 माइनस थीटा है ये, थोड़ा और पीछे आता हूं मैं, माइनस 90 ये पीछे वाला पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट होगा माइनस 90 में थोड़ा सा कम, इसको अगर मैं मॉड लूंगा तो कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, टेन 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, और थीटा है जीरो की तरफ, तो कॉट जीरो कितना हो जाएगा, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अंदर मॉड है अगर, सो रिमूव द लेफ्ट पार्ट, राइट वाले पार्ट का टेक इमेज, सीधा ये इधर वाला सेगमेंट इस साइड आ जाएगा, क्लियर है, आगे बढ़ूँ मैं, ये वाला बना के दिखाइए, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शनल पार्ट वाला डायग्राम, ये तो मालूम होगा फ्रैक्शनल पार्ट तो कई बार बना चुका हूँ मैं, ये होता है डायग्राम किसका, ये है फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम, और हमें करना क्या है, हमें अंदर जाके मॉडुलस लेना है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉड ऑफ एफ एक्स है या क्या है, ये तो हम ही को पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सी बिहेवियर इन्होंने लिखा हुआ है। देखो मॉड बाहर नहीं है, मॉड अंदर है, एक्स के पास जाके मॉड लगा है, तो फिर क्लियर हो गया है, पहचानना भी तो आना चाहिए, ये नहीं है, ये तो ये वाला है, एक्स के अंदर पास जाके मॉड लगा दिया, सीधा एक्स के पास जाके मॉड लगा है, अंदर जाके मॉड लगा है, तो क्या करते हैं, अंदर जाके मॉड लगता है एक्स के ऊपर, तो फिर हम लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देते हैं, राइट वाले को इमेज लेके चिपका देते हैं, तो करना क्या होगा बोलो, सोचो, ये है अपना लेफ्ट, ये सबका राइट, लेफ्ट वाले को हटा देंगे, राइट वाले को बना लेंगे, बना लो राइट वाला पहले, तो ये बना दिया राइट वाला, वन टू थ्री, अब आगे तुम लोग दिमाग लगाओ क्या करना है, सोचो, अब तो थर्ड फोर्थ एग्जांपल चल रहा है, फिफ्थ एग्जांपल है, इसके पहले आई थिंक चार एग्जांपल में करा चुका हूँ, देख लो, देखने दो एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब ये तो फिफ्थ है यार, ये तो आप लोग करो, फिफ्थ एग्जाम्पल तो आप ही को करना है, मैंने फिर भी बेसिक डायग्राम उसका बना दिया है कि किस तरीके से बनेगा, कैसा दिखेगा, तो इस बेसिक डायग्राम को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कैसे बनेगा, तो क्या करना होता है, लेफ्ट वाला पार्ट हटा देते हैं, अब राइट वाले की इमेज ली जाएगी, अब देखना मुझे ना, ये ऐसे है,
इसका इमेज लेना है। इमेज लूंगा तो कैसे बनेगा ये इस साइड बनेगा, ऐसा आता है समझ में, है ना? तो अगर ये ऐसे है तो इसका इमेज इस साइड बनेगा, और इस वाले का इमेज भी उस साइड बनेगा, इस वाले का इमेज भी उस साइड बनेगा। तो इनका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, सबका स्लोप थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए अगर मैं इमेज बना रहा हूँ इनकी इस तरीके से। तो चेक कर सकते हैं हम, चेक हमेशा कर लेना चाहिए, मैं भी हमेशा चेक करते हुए चलता हूँ आगे। कैसे चेक करना है कि जो हमने इमेज बनाई है सही बनाई है गलत बनाई है, हम कहीं ट्रांसफॉर्मेशन भूल तो नहीं गए। तो आओ देखते हैं। देखियो माइनस वन के थोड़ा सा आगे मैं जा रहा हूं, माइनस वन के थोड़ा सा आगे वाला डेटा क्या होगा बताओ सोच के। भाई जीरो की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये होगा माइनस पॉइंट नाइन 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 होगा, यस और नो? और माइनस पॉइंट नाइन नाइन पे तो लिफ्ट होके वन के आसपास पहुंच रहा है। आओ चेक करते हैं, देखो माइनस पॉइंट नाइन 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 का मॉड कितना होगा, पॉइंट नाइन नाइन नाइन, और पॉइंट नाइन 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 का फ्रैक्शनल पार्ट पॉइंट नाइन 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 ही होता है। करेक्ट बात है। माइनस वन के थोड़ा सा आगे चलते हैं इस साइड, थोड़ा सा पहले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस वन पॉइंट जीरो 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 वन। माइनस वन के इधर गया हूं मैं थोड़ा सा पहले, तो ये इतना ही होगा। अब इसका अगर मैं ले लेता हूं मॉड, तो माइनस पॉइंट जीरो 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 वन का मॉड कितना हो जाएगा, वन पॉइंट जीरो 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 वन। और वन पॉइंट जीरो जीरो वन का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो वन तो इंटीजर हटा देंगे, कितना आएगा, पॉइंट जीरो 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 वन। तो देखो इस पर इसका डेटा बहुत छोटा है, ये पॉइंट जीरो जीरो वन ही जा रहा है। तो जो बनाया है वो सही है, जो पढ़ाया है वो सही है। हमेशा चेक करते रहो, हमेशा ट्राई करोगे जो तुम्हारे सर तुम्हें बोल रहे हो तुम रॉन्ग प्रूव करो, तो एक्सेप्शन ढूंढो। जब तुम एक्सेप्शन ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा डाउट आएगा और लर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। हम कॉन्सेंट्रेट होके गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब हम किसी को कोई हमें बोल देना कि यार मिस्टेक्स फाइंड करो, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि यार ये तो निकालना है, कैसे भी करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने दो तरह के फंक्शन सीख लिए, कौन कौन से, ये दोनों। बाहर मॉड लगाना है तो क्या करना है, क्या करना है, बाहर मॉड लगाना होता है तो नीचे वाले को ऊपर ले आओ, कुर्सी को मत हटाओ। और अगर अंदर करना है तो क्या करना, अंदर मॉडुलस होता है तो क्या करते हैं, क्योंकि मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाला पार्ट तो वैसे ही रहता है, लेफ्ट वाले पार्ट को हटा देते हैं और इसको उधर रेप्लीकेट कर देते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए क्या चेंजेस किया है मैंने, माइनस मॉड एक्स कर दिया है। मॉड गारंटी लेता था पॉजिटिव की, अब मैंने माइनस लगा दिया है तो अब ये गारंटीड नेगेटिव है, गारंटीड नेगेटिव है। तो अब हमारे जो ग्राफ बनेगा उसमें नेगेटिव रहेगा, पहले पॉजिटिव वाला पार्ट रहते थे इसको चेंज करते थे, अब ये हमेशा नेगेटिव है, यानी ये वाला पार्ट तो रहेगा, ये वाला पार्ट हटेगा। तो फिर इसको रेसिप्रोकेट इधर की साइड करेंगे, इसका इमेज इस साइड पे हम लेंगे। तो देखिए रिमूव द राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड टेक इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब ये चीज तो हम भी समझने लग गए हैं, किसको देख रहे हैं, मॉड को। मॉड नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। और मॉड के आगे अगर किसी ने माइनस लगा दिया तो अब उसको कोई पॉजिटिव कर नहीं सकता। ठीक है, हमने एक नंबर सोचा, जो भी नंबर सोचा अगर मैंने मॉड लगा दिया है तो मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, और उसके आगे तुमने अगर माइनस लगा दिया क्योंकि मॉड के बाहर माइनस है तो ये बन जाएगा नॉन पॉजिटिव। इसका मतलब अब ये पॉजिटिव नहीं आएगा। तो फिर पॉजिटिव वाले पोर्शन को हटाया जाएगा और नेगेटिव वाले को रिवर्ट करके इधर बना दिया जाएगा। रिमूव द राइट साइड ऑफ द ग्राफ, ये रहा लॉजिक इसको करने का, ये बना दिया मैंने इसका लॉजिक। एस वाले पोर्शन को हटा दो, इसको इधर रेसिप्रोकल, इसका इधर इमेज बना दो। रेसिप्रोकल तो गलत वर्ड है, इमेज बना दो, इसको हम इस साइड इमेज बना देंगे। आ जाइए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं टू पावर एक्स को। आ जाइए, टू पावर एक्स कैसा होता है, टू पावर एक्स ऐसे होता है, ये है वन, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसे जुड़ गया है, थोड़ा नजाकत लेकर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लेकर आए हम इसके अंदर थोड़ी सी नजाकत, प्यार से बना रहे हैं अब तो। हाँ भाई क्या करना चाहिए बताइए भाई, राइट वाले साइड वाले पार्ट को हटा दो, इस वाले को हटा दो, हटा दो इसको, नो प्रॉब्लम, सो रिमूव दिस पार्ट। और ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये उधर बन जाएगा, आइए बना देते हैं। तो कैसे बनेगा, ये वाला सेगमेंट है, अब यही सेगमेंट इधर बनेगा, ये रहेगा वन, ये रहेगा जीरो। सो दिस इज योर वाई इज इक्वल टू टू पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स।
क्लियर, ये इस साइड, ये इस साइड, चेक कर लें, चेक तो हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि मॉड पॉजिटिव की बात कर रहे थे अब तक पहले, जब यहां प्लस नहीं था तो मैं बोल रहा था इसको रखो, इस वाले को हटा के फ्लिप कर दो। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का डायग्राम तो रहेगा, ये तो रहा, पॉजिटिव का हटाया फ्लिप कर दिया, चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यू दो पर निकालो। तो देखो दो आगे आता है, यहां आता है दो, रखो यहां पर दो, दो रखेंगे तो टू पावर माइनस टू, टू पावर माइनस टू होता है वन बाय फोर, टू पावर माइनस टू इज वन बाय फोर, तो एक से छोटा ही तो वैल्यू आ रहा है, करेक्ट है। माइनस टू पर वैल्यू निकालो इसका, डजेंट मैटर, माइनस टू का मॉड भी टू ही रहेगा, माइनस टू वन बाय फोर, क्लियर, सही चल रहा है सब कुछ, क्लियर है। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स अगर लिखा है तो सिंपल सी कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, राइट साइड वाले पॉजिटिव वाले को हटाओ, नेगेटिव वाले को पोर्शन का इमेज ले लो, बन जाएगा डायग्राम। तो अगर हम ये सीखें तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि लॉग ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, लॉग एक्स का डायग्राम बनाऊं क्या, लॉग एक्स का डायग्राम मेरा, दिस इज द प्लॉट ऑफ लॉग एक्स। अब मैं तुमसे डायग्राम पूछ रहा हूँ, लॉग ऑफ माइनस ऑफ मॉड एक्स, क्लियर। अब इसके बारे में सीखो क्या लिखना है, ये log x है और यहां मुझे जाना है, तो इसका मीनिंग समझना क्या लिखा है, क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा कि भैया राइट वाला ग्राफ हटा दो, ट्राई करो बनाने की, फिर बात करेंगे, सारे मुझसे ही बनवाते हो ना लायक हो, करोगे बताओ, फटाफट करके बताओ कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, रिमूव द राइट पार्ट, राइट पार्ट को हटाइए, राइट पार्ट को हटा देंगे, इस वाले को हटा देंगे, हटा दो, फिर क्या करेंगे, टेक इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं तो इधर भी कुछ नहीं आएगा, तो बन गया डायग्राम, बन गया क्या डायग्राम बताओ, बन गया सर, इसके हिसाब से तो बन गया, इससे बोला राइट वाले को हटा दो, हटा दिया, और लेफ्ट वाले की इमेज लो, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो बन गया डायग्राम, और कुछ भी नहीं बना, इसका मतलब क्या है, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, देयर इज नो सिंगल पॉइंट जो बन ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है मतलब कहीं पर भी कुछ भी डायग्राम नहीं आएगा, मतलब इस फंक्शन के साथ प्रॉब्लम है क्या, ये फंक्शन है भी या नहीं है, चेक कर लेते हैं, आओ चेक करते हैं। तो लॉग के जो अंदर लिखा हुआ रहता है हम सब जानते हैं वो होता है पॉजिटिव, तो माइनस से हमने किया नेगेटिव मल्टीप्लाई, तो देखो मॉड की वैल्यू ये चाहता है नेगेटिव आ जाए, अब बता दो मोड तो ऐसा फंक्शन है जो है कुछ भी हो जाए नेगेटिव तो नहीं आ सकता, इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू फाई है, मतलब इसका डायग्राम नहीं बनेगा, और ये वाली बात भी लॉजिकली प्रूव हो गई कि राइट वाले को हटा दो, लेफ्ट का इमेज ले लो, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा, अल्टीमेटली दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फंक्शन, इसका हम ग्राफ क्या बना रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं, दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, तो ये लॉजिकली हमने चेक भी कर लिया, ग्राफ ने भी इस बात को सपोर्ट कर दिया। तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ तो सपोर्ट करेगा ही, ग्राफ तो सपोर्ट ज़रूर करेगा, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको ग्राफ हमेशा ज़रूर सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले के बारे में बनाने को बोला है हमें, तो अब ये वाला जो है ये तो मैं चाहूँगा कि इसको तो तुम लोग ही बना के बताओ मुझे कि क्या होगा, ये मैं फ्रैक्शनल पार्ट बना देता हूँ, बाकी इसके अंदर जो जो चेंजेस किए हुए हैं उन सभी चेंजेस की बारी यह है कि तुम्हें सॉल्व करके बताना है। सो माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री एंड इट इज़ वन, ये है माइनस थ्री, ये मैंने प्लॉटिंग बनाया है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट का बनाया है। अब तुम्हें चेंजेस करने हैं कि क्या होगा कैसे होगा, दैट्स योर चॉइस कंप्लीटली, आई एम गिविंग यू अ टाइम, बना के देखो क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्यों बन सकता है, सोच के देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, घूरते रहो क्वेश्चन को, जरूर होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसको आप एज अ होमवर्क भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस कंटेंट को शेयर करिए, और मेरी जो स्पेशल क्लास है मैंने टाइमिंग आप लोगों को बता ही दिया है, 3 PM है कल, उसको अटेंड करो, कल भी है और वो परसों भी है, उसके नेक्स्ट डे भी है, नेक्स्ट 3 दिनों में मैं तीनों में तुम्हें वो पढ़ाने वाला हूँ, उस स्पेशल क्लास में डिफरेंशिएशन तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इसके लिए आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को करना है तो कर लेते हैं। अजब बताओ क्या करें कि सर अभी आपने बताया था, सर एक बार वो स्लाइड पुरानी वाली बता दोगे क्या? चलो पुरानी वाली स्लाइड बता देते हैं, ये रहा, पढ़ लो क्या है इसमें। इसमें कोई डिफरेंस है क्या? चेक करो, माइनस ऑफ मॉड एक्स फंक्शन आएगा, फंक्शन कौन सा है? फ्रैक्शनल पार्ट का है, ठीक है, सेम ही है सर। तो फिर क्या करने को बोला है? रिमूव द राइट पार्ट ऑफ द ग्राफ, राइट साइड वाला ग्राफ हम हटा रहे हैं, यहाँ भी हटाया था, यहाँ भी हटाया था, वहाँ भी हटा देंगे। और फिर टेक इमेज ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ दिस पार्ट, राइट साइड वाले पार्ट को हटा देंगे, हटाने की कोशिश करो और फिर लेफ्ट वाले की इमेज ले लेंगे। क्लियर? बता तो दिया, करो अब करके बताओ कैसे होगा। अब तो आप ही लोगों को करना है मेरे प्यारे बच्चों कि सर ये कैसे होगा, कैसे करें। अरे बहुत आसान है, अभी तो समझाया मैंने तुम्हें। राइट वाला पार्ट हटा देंगे तो ये पूरा पोर्शन हटा देंगे, तो जो बचा हुआ है उसको बना दो। -3, -2, -1 बना दिया लेफ्ट वाला। अब ये हट चुका है, अब इसका हमें इमेज लेना है, तो देखना ये रहा, इसका इमेज कैसा बनेगा? ये मिरर है तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा ऐसा ही दिख जाएगा क्या? इमेज बनाऊंगा तो ये वाला पोर्शन जो है ये फ्लिप होके आगे बनेगा, सो दिस विल बी लाइक दिस, ओके। और फिर ये वाला जो पोर्शन है ये भी इस तरीके से दिखेगा, ये आगे वाला भी ऐसा दिखेगा, दिस इज 1, this is 2, this is 3। चेक कर सकते हो तुम लोग बेटा मेरे, ये देखो यहाँ आता है 0.99999, इसके अंदर रखो तो देखो बन जाएगा -0.9999, और -0.999 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.0001। तो देखो जीरो के पास वाला डेटा आ रहा है, क्लियर है? यही इसका प्लॉटिंग है, यही इसका डायग्राम है जो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और चेक कर लो, तुम्हें डाउट होता है तो ये देखो, एक से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो तो होता है 1.0001 होगा, एक से थोड़ा ज़्यादा यहाँ रखूंगा तो मॉड ही रहेगा लेकिन सामने बन जाएगा नेगेटिव, वन इंटीजर है हटा दिया जाएगा, सो -0.00001 जो कितना बन जाता है 1 -0.00001, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.99999, ठीक है। तो देखो एक से थोड़ा सा आगे वन पर वैल्यू जा रही है इसकी, 0.99999, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको जो बचे हुए इसके पार्ट्स से दो तीन वो लास्ट वाले अगले वाले लेक्चर में मैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर दूंगा और फिर हम उसके आगे की कहानी सीखे करेंगे। तो थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। आप टेलीग्राम है नीचे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम जो हमारा कंटेंट है वहाँ आपको मिल जाता है। और स्पेशल क्लास का टाइमिंग मैंने बता दिया, 3 PM है, वहाँ पर आप प्लस का प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस करिए और आपके डिफरेंशिएशन भी वहाँ पर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।